नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल योग नमस्ते में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज की वीडियो में हम बात करेंगे गर्भपात के बाद देखभाल। दोस्तों, प्रेगनेंसी में ऐसी ऐसी सिचुएशन बन जाती है, कठिनाई आ जाती है कि गर्भपात हो जाता है या कराना पड़ता है। यह किसी भी महिला के लिए और उसके परिवार वालों के लिए काफ़ी मुश्किल भरा पल होता है। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए ताकि गर्भपात के बाद अच्छे से आपकी रिकवरी हो पाए और आगे चल के आप हेल्दी प्रेगनेंसी प्लान कर पाएँ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी दबा देना ताकि मेरे वीडियोस कब अपलोड होते हैं आपको पता चल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। गर्भपात हो जाना किसी भी महिला के लिए बहुत ही सेंसिटिव पल होता है, बहुत ही सेंसिटिव मोमेंट होता है, नाजुक पल होता है और ये शारीरिक स्तर पर तो असर डालता है, इसके साथ साथ भावनात्मक स्तर पर बहुत असर डालता है। यानी महिला बहुत ज़्यादा शोक या दुख महसूस करती है और कभी कभी गर्भपात के बाद अपराधी जैसी फीलिंग भी आती है। एक बार की और चिंता होती है कि आगे चल के प्रेगनेंसी हेल्दी होगी नहीं होगी, उसकी भी एक चिंता रहती है। तो दिमाग पे काफ़ी असर पड़ता है गर्भपात का, मतलब आपको डिप्रेशन जैसा फील हो सकता है, क्या डिप्रेस्ड हो सकते हैं आप, सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी आ जाती है, आत्मसम्मान में कमी आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आती है, आत्मविश्वास में कमी आती है, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, सपने आते हैं, भूख ठीक से नहीं लगती, खाना पीना आपका पूरा बिगड़ जाता है। तो बहुत ही डिस्टर्बेंस हो जाती है फिजिकल मेंटल इमोशनल लेवल पर। गर्भपात हो जाने के बाद किसी भी महिला को इससे रिकवर होने में समय लगता है। अब कितना समय लगता है डिपेंड करता है कि आपकी गर्भावस्था कितनी लंबी चली और आपने गर्भपात किस तरीके से कराया। गर्भपात मेडिसिन के ज़रिए भी होता है और सर्जरी के ज़रिए भी होता है। जो मेडिसिन के ज़रिए गर्भपात होता है वो काफ़ी पेनफुल होता है और एक डाउट भी रहता है कि गर्भपात ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है, गर्भाशय से जो सारे टुकड़े निकलने थे मांस के वो ठीक से निकले हैं कि नहीं निकले हैं। क्योंकि अगर टुकड़े ठीक से नहीं निकलते हैं आपके गर्भाशय से तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन सर्जरी के थ्रू जो गर्भपात होता है उसमें अच्छी तरीके से गर्भपात हो जाता है, इस तरह का इन्फेक्शन के चांसेस नहीं रहते हैं। मेडिसिन के जरिए जो गर्भपात होता है उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, यानी 1 से 2 हफ्ते तक ब्लीडिंग हो सकती है। हालांकि सर्जरी के थ्रू जो गर्भपात होता है उसमें भी ब्लीडिंग होती है लेकिन हल्की ब्लीडिंग होती है, आप 5-6 दिन की ब्लीडिंग कह सकते हैं। अगर मेडिसिन के जरिए आप गर्भपात कराते हैं तो आपको क्लीनअप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है गर्भाशय से गर्भपात अच्छे से हो जाना चाहिए, अदरवाइज संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक प्रोसेस है डायलेशन एंड क्यूरेशन का, उसमें अच्छे से क्लीनिंग कर दी जाती है गर्भाशय की और ये भी सुनिश्चित हो जाता है कि आपको कोई संक्रमण तो नहीं है। गर्भपात के बाद पीरियड आने में समय लगता है, चाहे आपका मेडिसिन के जरिए गर्भपात हो या सर्जरी के जरिए गर्भपात हो, पीरियड आने में समय लगता है और वो 4 से 8 हफ्ते हो सकते हैं, यानी 1 से 2 महीना आपको लग सकता है आपके पीरियड आने में। अगर 8 हफ्ते बाद भी पीरियड नहीं आते हैं तो आपको डॉक्टर से चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। गर्भपात के बाद ब्लीडिंग होना सामान्य है, 1 से 2 हफ्ते आपकी ब्लीडिंग होती है, लेकिन अगर आपके 2 हफ्ते बाद भी ब्लीडिंग चल रही है तो आपको डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग के केस में भी आपको डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। गर्भपात के बाद एक महिला का शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, शारीरिक तौर पर तो कमज़ोर होता है, मानसिक और भावनात्मक तौर पर भी कमज़ोर होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, मेरा पर्सनल सजेशन है कि 1 मंथ आपको कम्प्लीट रेस्ट करना चाहिए, अच्छे से नींद लें अपनी और अच्छा खाना खाएं, बाहर का ऐसा कुछ भी ना खाना खाएं, बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं जिससे आपका पेट खराब हो, भारी सामान ना उठाएं, हल्का फुल्का व्यायाम कर सकते हैं, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। क्योंकि शारीरिक तौर पे 1 महीना तो आपको चाहिए रिकवर करने के लिए, हालांकि भावनात्मक और इमोशनल तौर पे कितना समय लगता है ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन 1 महीना आपको कंप्लीट रेस्ट ज़रूर करना चाहिए। गर्भपात के बाद साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, वेजाइना उसके आसपास के एरिया को अच्छे से साफ़ क्लीन करते रहें। क्योंकि ब्लीडिंग होती है गर्भपात के बाद तो ज़रूरी है कि आप हर 3-4 घंटे में अपना पैड चेंज करते रहें ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। गर्भपात के बाद पेट में दर्द होना बहुत ही सामान्य है, होता ही है, लेकिन अगर आपको असहनीय दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके पेन किलर ले लेना चाहिए। अब सवाल आता है कि गर्भपात के बाद संबंध कब बना सकते हैं।
तो गर्भपात के बाद जब तक ब्लीडिंग आपके अच्छे से रुक नहीं जाती, आपको संबंध नहीं बनाना चाहिए। ब्लीडिंग रुकने के बाद आप संबंध ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन एक बार डॉक्टर कंसल्ट कर लें, क्योंकि शरीर काफ़ी कमज़ोर होता है। और इस बीच प्रेगनेंसी प्लान ना करें, जब तक आपका पीरियड स्टार्ट नहीं हो जाता प्रेगनेंसी को प्लान ना करें। एक बार पीरियड आ जाएगा उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करें। इस बीच अगर संबंध बनाते हैं तो प्रोटेक्शन का, गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल ज़रूर करें। दूसरा सवाल आता है कि गर्भपात के बाद गर्भधारण कब हो सकता है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि पीरियड आने में 4 से 8 हफ्ते लगते हैं, तो अगर 4 हफ्तों में पीरियड आ रहा है तो इसका मतलब 2 हफ्तों में आपका ओवुलेशन हो जाएगा, यानी गर्भपात के तुरंत बाद भी आप गर्भधारण कर सकते हैं। लेकिन इस समय प्रेगनेंसी हो जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है और बहुत ही क्रिटिकल हो सकती है। प्रेगनेंसी आपकी बहुत क्रिटिकल हो सकती है, क्योंकि गर्भाशय आपका वीक होता है, आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली वीक होते हैं, ऐसे प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि 1-2 मंथ्स आफ्टर गर्भपात, आफ्टर अबॉर्शन, आप प्रेगनेंसी प्लान ना करें। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, हालांकि इस पर आप डॉक्टर से डिस्कशन कर सकते हैं। एट द अर्लीस्ट प्रेगनेंसी प्लानिंग आपको गर्भपात के बाद, एक बार पीरियड अच्छे से स्टार्ट हो जाए उसके बाद ही करना चाहिए या सोचना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि गर्भपात के बाद शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपको मानसिक स्वास्थ्य का भी बहुत ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। और कभी भी आपको लगे कि गर्भपात के बाद आपको मानसिक अस्थिरता हो रही है, डिप्रेशन जैसा महसूस हो रहा है और प्रेगनेंसी प्लानिंग की आप सोच रहे हैं, तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर चेकअप कराएं, उनको सारी बात बताएं और समय रहते अगर कुछ ऐसा है तो अपना इलाज ज़रूर करवाएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। गर्भपात के बाद अपना अच्छे से देखभाल करें, अच्छे से रिकवर हों और एक हेल्दी प्रेगनेंसी को प्लान करें। तो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को लेके, इस टॉपिक को लेके कोई प्रश्न है तो ज़रूर हमें कमेंट करके पूछें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल पे योगा एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड और भी वीडियोस हैं, उन्हें भी ज़रूर देखें। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, नमस्ते।